Hello students, welcome in today's video. Today I am going to start the lesson 1 of subject maths class 4. Okay? So इस लेसन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसके एक्सरसाइज को वन बाई वन समझेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स इस लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, पहला टॉपिक क्या है हमारा, फाइव डिजिट्स और सिक्स डिजिट नंबर्स. क्लास 3 में आप लोगों को फोर डिजिट्स तक पढ़ाया गया है, फोर डिजिट नंबर्स तक को रीड करना, राइट करना, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना. ठीक है, और उसको नंबर्स में लिखना और डिजिट्स में लिखना, ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 3 में फोर डिजिट तक सीखे हुए हैं. इस क्लास में आप लोग फाइव से सिक्स डिजिट नंबर को सीखेंगे. ठीक है, कि फाइव डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे, उनको रीड कैसे करेंगे, और सिक्स डिजिट नंबर को भी सेम कैसे रीड और राइट करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे. सेकेंड होगा हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स. तो जब भी हम लोग नंबर्स की बात करेंगे प्लेस वैल्यू की भी बात करनी पड़ेगी. जब भी हम किसी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स लिखते हैं, डिजिट्स का यूज़ करके जब भी हम किसी नंबर्स को लिखते हैं, तो वहाँ पे प्लेस वैल्यू भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, और प्लस उन नंबर्स को हम रीड कैसे करेंगे, है ना, मतलब उनका नंबर नेम्स क्या होगा उसको भी हम लोग जानेंगे इस लेसन में. उसके बाद होगा एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, किसी भी नंबर को एक्सपैंड कैसे करें, मतलब एक्सपैंड करने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि उस नंबर की वैल्यू क्या है, या हम उसको समझ पा रहे हैं अच्छे से कि वो नंबर है क्या. जब नंबर को हम लोग दो तीन तरह से समझ लेते हैं तो हम लोग को नंबर को समझ लेना ईजी हो जाता है. और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरा आपका मैथमेटिक्स है वो नंबर्स पे ही बेस्ड है. अगर आप नंबर्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो मैथमेटिक्स को आप अच्छे से नहीं समझ सकते. ठीक है, इसलिए हम लोग का मैथ्स नंबर्स का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक एक्सपेंडेड फॉर्म या नंबर नेम्स, है ना, या और भी जो भी फॉर्म्स होंगे वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में वन बाय वन. अगेन रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग एबेकस. ठीक है, एबेकस एक बहुत ही एंशियंट मेथड है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग एबेकस को यूज़ करके किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एबेकस क्या होता है ये भी जानेंगे हम लोग. ऑल राइट, उसके बाद सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर. ठीक है ना, जो भी नंबर, अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे सक्सेसर. ठीक है, और प्रेडिसेसर का मतलब उसके ठीक पहले वाला नंबर कौन सा होगा उसको हम लोग प्रेडिसेसर बोलेंगे. कैसे उसको निकालेंगे, है ना, जब ग्रेटर एक बड़े से नंबर के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर होगा, जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा, ये हम लोग सक्सेसर और प्रेडिसेसर में जानेंगे. उसके बाद का टॉपिक होगा हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. कंपैरिजन, जब हम नंबर्स को जब रीड करना सीख लेंगे, उसको राइट करना सीख लेंगे, तो हम लोग को उसको कंपेयर करना भी जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम जब कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम ये कंपेयर कर पाएंगे ना, रियलाइज़ कर पाएंगे, और इसके कारण हम लोग जो मिस्टेक्स है बहुत ज़्यादा कर पाएंगे. अपने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में उनको सॉल्व करने में बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, इसलिए किसी भी नंबर्स को कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी, जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे. इसके बाद का टॉपिक हो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स. ठीक है, आपके पास कुछ डिजिट्स होंगे, उन डिजिट्स को यूज़ करके आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना होगा. अब ये सब कुछ एक तरह से एक हल्का सा एक प्लेइंग है, प्लेइंग विद नंबर्स है. इससे ये पता चलता है कि आप नंबर्स को कितना समझ रहे हैं. ठीक है, उनको कितना आप बड़ा छोटा रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से समझ में आता है. उसके बाद का टॉपिक होगा हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स. राउंडिंग ऑफ क्या है, तो राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि जैसे कोई नंबर है, जैसे सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको बाज़ार में कुछ ख़रीदने जाना है जिसका प्राइस आपको गेस अंदाजन आपको है कि 8 या 9 रुपये होगा. ओके, तो आपको जब बाज़ार में जाइएगा आपको उसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, तो आप क्या करिएगा, अगर 8-9 रुपये है तो आप 10 रुपये लेकर जाइएगा सीधे सीधे. क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर 9 रुपये भी होगा तो आप परचेज़ कर पाएंगे, और 8 रुपये होगा तो भी परचेज़ कर पाएंगे. तो आपने क्या किया, उस 8 और 9 को राउंड ऑफ कर दिया टू नियरेस्ट टेंस. उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 17, 18 या 19 इस तरह से हो, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है उसका प्राइस क्या है, तो आप इस कंडीशन में भी आप अपने पास 20 रुपये रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को खरीदने जाने के लिए. ठीक है, क्योंकि आपको पता है 20 रुपये में आपका वो
ऑब्जेक्ट जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं राउंड ऑफ करना टेंस में। जो 16-17 ये जो है हमारा, इसको जब टेंस में राउंड ऑफ किया तो 20 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद होगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लिमिटेशन। मतलब अभी तक हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे थे वो एक्चुअली इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, और पहले हम लोग वही जानेंगे, ठीक है। और जब हम लोग इंडियन सिस्टम को अच्छे समझ लेंगे उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को भी समझेंगे, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल बात करेंगे, आप आउट ऑफ इंडिया अगर कभी आप जाते हैं तो हम लोग जिस तरह से नंबर को रीड करते हैं उस तरह से आप बाहर नहीं रीड कर पाएंगे। अगर आप उस तरह से रीड करेंगे तो वहाँ पे लोग नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ का सिस्टम, मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है जब भी आप आउट ऑफ इंडिया होंगे, या इंडिया में भी आजकल उन सब चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। तो अगर आपको पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि उस नंबर की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपना पहला जो टॉपिक है, 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर। और इसको समझने से पहले हम लोग को एक जो टॉपिक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको याद होगा आप लोग जब क्लास 3 में थे तो आप लोग को 4 डिजिट नंबर तक पढ़ाया गया था। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, 4529, और आपको बोला जाता था कि इसको रीड करिए। तो आप क्या रीड करते थे, आप मार्क कर लेते थे 1s, 10s, 100 और फिर 1000, ठीक है। और इसको क्या रीड करते थे, 4000 और 529, ओके। और अगर आपसे ये बोला जाए कि इसके बाद का कौन सा नंबर होगा तो आप क्या करते थे, मतलब इसका सक्सेसर निकालने के लिए आप 1 ऐड करते थे। सक्सेसर निकालने के लिए आप क्या करते थे, जो भी आपको नंबर दिया रहता था उसमें आप +1 कर देते थे, तो उससे आपको जो नंबर मिलता था वो होता था उसका सक्सेसर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने सक्सेसर निकाला है इस 4 डिजिट नंबर का, 4529 का जो सक्सेसर मैंने निकाला है वो भी एक 4 डिजिट नंबर ही है, ऑलराइट। तो अब अगर मैं आपसे एक और आपको मैं नंबर दूँ कि आप उसका सक्सेसर निकालिए, जैसे लेट्स से 5201, इस नंबर का सक्सेसर निकालना है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, तो इस नंबर में भी हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो 5201 + 1 = 5202। तो इस तरह से क्या निकल रहा है, हम लोग को किसी भी नंबर का सक्सेसर निकल रहा है। तो अब आप समझ गए कि सक्सेसर क्या होता है। अब अगर प्रीडिसेसर, यही नंबर का अगर प्रीडिसेसर निकालने को बोला जाए तो आप क्या करते थे, इसको आप 1 माइनस कर देते थे, ये जो नंबर है आपका, ठीक है। और -1 जब आप करते थे तो उसके जस्ट बिफोर का नंबर, या ये कहिए कि उसका प्रीडिसेसर फाइंड हो जाता था। और अब इसी नंबर का अगर हम लोग प्रीडिसेसर निकालें 5201 का, तो यहां भी हम लोग 1 माइनस करेंगे, तो ये आपका हो गया 5200, ठीक है। तो आप प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे, सक्सेसर कैसे निकालेंगे, उसको मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग अपना आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है हमारा 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स, इसको हम लोग समझते हैं। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यहाँ पे तो स्पेस फुल हो गया, ठीक है। हमारा टॉपिक है 5 डिजिट्स एंड 6 डिजिट नंबर्स। ध्यान रखिएगा NOS मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब NOS नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 9999, ठीक है। अब ये नंबर आप देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये जो नंबर है हमारा, दिस इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर,
ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, तो वो क्या होगा? जैसा कि आपको अभी बताया गया कि इसका सक्सेसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर में वन ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको वन ऐड करते हैं तो आप क्या आंसर आता है देखते हैं। 9 + 1 = 10, 0 = 1, 1 + 9 = 10, 0 = 1, अगेन 1 + 9 = 10, 10 = 0 = 1, अगेन 1 + 9 = 10। तो आपको ये जो नंबर मिला, आप अगर ध्यान दें तो ये 5 डिजिट का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5 डिजिट का नंबर। अभी तक आप जब भी सक्सेसर फाइंड करते थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही डिजिट का नंबर मिलता था, मगर इस कंडीशन में आपको जो सक्सेसर मिला है वो 5 डिजिट का मिला है। तो यहीं से हमारा शुरुआत होता है 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अब इसी तरह से आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1000। मतलब जब भी आप किसी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर फाइंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 5 डिजिट नंबर एग्जिस्टेंस में आया, ओके। अब इसी तरह से आप अगर इसमें सक्सेसर फाइंड आउट करते जाइएगा तो एक समय आपको मिलेगा द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब वो क्या होगा, आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी भी मतलब जितने नंबर का ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करते हैं, मतलब 5 डिजिट नंबर का अगर ग्रेटेस्ट नंबर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 5 डिजिट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 × 9 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब अगेन यहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप कैसे इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ भी आप 1 ऐड कर देंगे। तो जब आपने 1 ऐड किया, देखते हैं क्या आता है। सॉरी, तो 9 + 1 = 10, 0 = 1, अगेन 1 + 9 = 10, 10 = 0 = 1, 1 + 9 = 10 = 0 = 1। सॉरी, ठीक है। तो अगेन 1 + 9 = 10। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आपने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकाला तो आपको जो मिला ये नंबर, ये क्या है, 6 डिजिट नंबर मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर है वो एक 6 डिजिट नंबर है, और ये फर्स्ट है, ये पहला, इसके पहले कोई भी नंबर 6 डिजिट का नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आपने जैसे ही ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट किया तो आपको क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब इसी तरह से अगर आप इसका एक सक्सेसर फाइंड करते हैं तो वो एक 6 डिजिट नंबर ही होगा, और सिमिलरली आप सक्सेसर फाइंड करते जाएंगे तो एक समय आपको एक ऐसा 6 डिजिट नंबर मिलेगा जो कि होगा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब वो क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकाला तो 5 × 9 आया, यहाँ पे अगर हम लोग ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालेंगे तो 6 × 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन अब है कि इसको रीड कैसे करेंगे, इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, तो ये हम लोग अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट किया तो हमको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिला, उसी तरह से अगर हम लोग ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का सक्सेसर फाइंड करेंगे तो हम लोग को स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग 7 डिजिट नंबर के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग अपने इस क्लास में 6 डिजिट नंबर तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे बाकी जो रूल्स है वो सेम है, ज़्यादा आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर को अच्छे से सीख लें, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग का 5 डिजिट नंबर एग्जिस्टेंस में आया और 6 डिजिट नंबर एग्जिस्टेंस में आया। अब इनका यूज़ क्या है, तो देखिए ये जब बड़ी बड़ी संख्याओं का डिनोट करने के लिए, आपको ध्यान में होगा कि अगर आप एक साइकिल खरीदते हैं
तो उसका कॉस्ट 5000 के आसपास होता है, ठीक है ना, अराउंड 5000, नॉट एग्जैक्टली, अराउंड 5000, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए बाईसाइकिल क्या हो सकता है, अराउंड 5000 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं है कि 5000 ही होगा, 5000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 10000 भी हो सकता है, बट एक मोटा मोटी जो नॉर्मल साइकिल होता है उसका प्राइस 5000 के आसपास होता है, 3000 4000 भी हो सकता है, 6000 7000 भी हो सकता है। तो आप देखिए ये जो है आपका कितना डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाईसाइकिल से भी कॉस्टली कोई चीज़ खरीदते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का कॉस्ट आपका आज के जो भी हो आसपास मतलब, लेकिन मिनिमम 50000 होगा, ठीक है ना, 50000 से कम का मोटरसाइकिल जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप 50000 नंबर पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें कितने डिजिट्स आ गए, 5 डिजिट्स आ गए, ऑलराइट। तो इस तरह से जब हम लोग किसी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ को परचेज करते हैं या कोई बहुत बड़े नंबर को काउंट करते हैं या बहुत कोई एक बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज़ को काउंट करते हैं जिसका नंबर बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग को बड़े बड़े नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल अभी हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल का कॉस्ट ये अराउंड 5 डिजिट नंबर्स में होता है। उसी तरह से अगर आप थोड़ा और कॉस्टली चीज़ पर जाइए जैसे मोटर कार, तो मोटर कार को जब आप खरीदेगा तो मिनिमम उसका जो कॉस्ट होगा वो 1 लाख से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वो 1 लाख से ज़्यादा अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख और बाकी अपना कैपेसिटी का है। तो अगर किसी मोटर कार का ऑन एन एवरेज 2,50,000 कॉस्ट होता है तो ये क्या है, ये एक 6 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर कार में भी आप और बहुत अच्छा क्वालिटी का कार लेंगे तो वो आपका 7 डिजिट तक में भी चला जाता है, यहाँ तक कि 8 डिजिट के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से लार्जर नंबर्स हमारे लाइफ में इसी तरह से इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे हम किसी चीज़ का कीमत या कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते जाता है तो वैसे ही हमारा जो उसका यूज़ है नंबर्स का वो ग्रेटर डिजिट्स में होने लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्यों 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है लेकिन मैं एक ही टॉपिक में इसको कवर करूँगा क्योंकि दोनों एकदम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, और उसी तरह से अगर आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट है तो आप इजीली किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक ही में कवर करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू को समझते हैं। तो आप लोग जब 4 क्लास में थे तो आप लोग को सिर्फ 4 डिजिट्स तक नंबर पढ़ाया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि जो सबसे राइट में डिजिट होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 1, 2, 5, 6, तो इसमें जो वंस प्लेस पे है ये जो सबसे राइट साइड में है उसका हम लोग प्लेस वंस कहते थे, ठीक है। तो इस वंस को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स चेंज द कलर फॉर मोर विजिबिलिटी। ये प्लेस हो गया हमारा जो सबसे राइट मोस्ट में है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वो वंस है, और इसके ठीक लेफ्ट साइड का जो होगा वो होगा टेंस, फिर उसके ठीक लेफ्ट में होगा हंड्रेड्स, और ठीक उसके पहले जो होगा वो होगा थाउजेंड्स। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि आपको 100 का और 1000 का स्पेलिंग पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, ये अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं यहाँ पे सेपरेटली इनका स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, 100 और ये 1000, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, जो पहला हमारा होगा वंस होगा, फिर टेंस, उसके बाद 100, फिर 1000, ये यहाँ तक आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 4 तक। अब ये 1000 के पहले अगर कोई 5 डिजिट नंबर होता है तो उसके पहले अगर कोई डिजिट हो तो उसका प्लेस क्या होगा, तो वो हो जाएगा 10000, ठीक है। 10 और 1000 के लिए मैं शॉर्ट में TH लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 5 डिजिट तक। अगर 6 डिजिट नंबर हो तो 6 डिजिट नंबर के लिए हम लोग का फिर 10000 के बाद आ जाएगा लाख, LAKH तक, लाख तक, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पीरियड्स में समझ लेते हैं, जितने भी जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं उनको हम लोग
पीरियड्स में डिवाइड करते जाते हैं। अभी तक आपको कोई पीरियड्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि फोर डिजिट तक छोटा सा एक नंबर है, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते थे, रीड कर सकते थे। लेकिन जब नंबर हमारा बड़ा होता जाता है तो फिर उनके डिजिट्स को हम लोग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको हम आसानी से रीड कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा पहला ये थ्री डिजिट्स है, ये शुरू के जो थ्री डिजिट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वंस पीरियड। ठीक है, अब ये शुरू के थ्री डिजिट्स को हमने वंस पीरियड बोल दिया, और इसके बाद के जो दो डिजिट्स हैं जैसे 1000 और 10,000, या ये कहिए कि जिनमें 1000 आ रहा है, ठीक है ना, ये 1000 है और ये 10,000, तो दोनों में 1000 आ रहा है दोनों ही डिजिट्स के प्लेस में, तो इनको हम लोग बोलेंगे 1000 पीरियड। ठीक है, थाउजेंड्स पीरियड, PERIOD पीरियड का ये स्पेलिंग है। अब इसके बगल में, अभी 1000 पीरियड ओवर हो गई क्योंकि उसके बाद लाख आ जा रहा है। ठीक है, तो लाख आ गया मतलब 1000 पीरियड्स खत्म, तो लाख जैसे ही आ जाएगा तो वहां से शुरू हो जाएगा हमारा लाख पीरियड। अब जैसा कि अभी हम लोग बताएं कि हम लोग सिक्स डिजिट तक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि लाख के पहला वाला जो होगा वो हमारा 10 लाख होगा। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग जितने भी जो जब भी किसी बड़े नंबर को लिखते हैं तो उसको हम लोग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और जो पहला पीरियड होगा हमारा उसमें थ्री डिजिट्स होंगे जो राइट साइड से होंगे, जो राइट साइड से पहले थ्री डिजिट्स होंगे वो वंस पीरियड में होंगे, उसके लेफ्ट में जो दो डिजिट्स होंगे वो 1000 पीरियड में होंगे, और उसके पहले जो होंगे दो डिजिट्स वो होंगे लाख पीरियड में। अब इससे हम लोग को किसी भी नंबर को रीड करना ईजी हो जाता है, और साथ ही साथ उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना भी ईजी हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको एक सिक्स डिजिट नंबर है 576289, ये एक सिक्स डिजिट नंबर है। अब इसको रीड करना है, ठीक है ना, या इसका प्लेस वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। अब प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है, तो एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं ये प्लेस वैल्यू चार्ट ही है, जो अभी आपने यहाँ तक देखा ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट ही है। हम लोग को बस ऐसे कर देना है और इसको बॉक्स बॉक्स बना देना है, ठीक है, और इसमें फिर नंबर्स को पुट करने हैं, ये जो जो बॉक्स बन रहा है, जैसे अभी मैं आपको एक नंबर पुट करके दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे बना हुआ है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो इस तरह का बना लेंगे, और इसके ऊपर आप प्लेस को मार्क कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, और ऊपर आप उनको पीरियड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये आपको प्लेस वैल्यू जब चार्ट बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, तो आपने ऐसा चार्ट बना लिया। अब ये जो गिवन नंबर है इसको हम लोग वंस प्लेस से फिल करते जाएंगे, जैसे आप जानते हैं कि राइट मोस्ट डिजिट जो होता है वंस होता है, तो वंस प्लेस पे क्या है, 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, फिर उसके बाद 8 है तो 8 लिख दिए, फिर उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 6, 7 एंड 5, बस हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया। अभी ये और भी 3 बॉक्सेस नीचे खाली हैं, मतलब इस एक चार्ट में हम और 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार भी हम लोग 6 डिजिट ही नंबर लेते हैं, 85219। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर इसी चार्ट में, अलग से चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, एक चार्ट बना लेंगे। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में 4 नंबर्स हैं, तो इस तरह से नीचे 4 रोज बना लेंगे, मतलब ये 1, 2, 3, 4 4 रोज बन गए, इनको रोज कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रोज कहे जाते हैं। तो अगर आपको 4 नंबर्स गिवन है तो एक ही बार में आप एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें आपके 4 रोज होंगे नंबर्स लिखने के लिए, और एक रो होगा उसका प्लेस वैल्यू का हेडिंग देने के लिए। अब उसी तरह से आप बनाते जाएंगे, जैसे यहाँ पे है 9, इस नंबर को अब आपको इसी प्लेस वैल्यू में भर देना है प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इसी तरह से और भी नंबर हो तो उसी को आप नीचे लिखते जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आ गया प्लेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है, किसी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो एक बार हम लोग इस चार्ट को फिर से बनाते हैं छोटा सा, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होगा।
इस वाले टॉपिक में। क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं क्विकली। जैसे भी मुझे दो नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने तीन रोज बना लिया, एक ये और एक तीन रोज। फर्स्ट रो में हम अब उसका प्लेस मार्क करेंगे। वंस के लिए हम लोग ओ लिखते हैं, टेंस के लिए टी, हंड्रेड्स के लिए एच, थाउजेंड के लिए टी और हाँ सॉरी यस टी एच लिखेंगे और टेन थाउजेंड के लिए टी लिख देंगे टेन के लिए और थाउजेंड के लिए टी एच और फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का लाख। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, मार्क कर लिया। अब एक नंबर यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको, कोई भी 57928 9 और एक है 843108। ये दो नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया, सिक्स डिजिट नंबर के दोनों नंबर हैं। अब आप क्या करेंगे, उसको जैसे मैंने अभी बताया था वैसे आप फिल कर लेंगे। एट ज़ीरो वन थ्री फोर एट। अब अगर आपसे कोई पूछे, ये हमारा फर्स्ट है ये हमारा सेकेंड, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑफ इसमें का, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर दो दो है इस बात को ध्यान रखिए, कभी डिजिट रिपीट भी हो जाता है। चलिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि वहाँ पे नाइन रिपीट हो रहा था। अब आपसे बोला जाए कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इन 57928 4। ये हमारा क्वेश्चन है, हमको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको किसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, नाइन का। तो हम ये देखेंगे ये नंबर नाइन कहाँ है, इसका चार्ट, इस नंबर का ऑलरेडी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, तो अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमको बस ये नंबर नाइन इसमें खोजना है कि कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि नाइन यहाँ पे है और इसके ठीक ऊपर वाला जो कॉलम है, ये कॉलम होता है, इस तरह से कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इस कॉलम्स में नाइन किसके ऊपर है, इसका जो सबसे ऊपर वाला जो हेडिंग है इस कॉलम का, वो हमारा ये TH, TH स्टैंड्स फॉर थाउजेंड। मतलब हमारा नाइन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसको आंसर कैसे करेंगे हम, द प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इज इक्वल टू नाइन, थाउजेंड प्लेस पे है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे नाइन थाउजेंड्स। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, उस डिजिट को लिखा और उस प्लेस को लिख दिया, हो गया प्लेस वैल्यू। लेकिन इसी नाइन थाउजेंड्स का हम लोग न्यूमरल में भी लिख सकते हैं, मतलब डिजिट्स का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो नाइन थाउजेंड आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, नाइन और उसके बाद थ्री जीरो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही ऑल राइट, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आप किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसी नंबर में सेवन का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज इक्वल टू, देखिए सेवन कौन से प्लेस पे है, टेन थाउजेंड प्लेस पे, ये टी टी एच पी मीन्स टेन थाउजेंड, तो हम लिख देंगे सेवन टेन थाउजेंड। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हैं या हम लोग इसको डिजिट्स का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो सेवन टेन थाउजेंड, सेवन टेन मीन्स क्या होता है सेवेंटी, मीन्स यहाँ पे सेवेंटी थाउजेंड लिख देना है। ओके, तो इसी तरह से आप किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू, अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप चार्ट नहीं भी बनाते हैं तो भी निकाल सकते हैं, जैसे एक इसी का एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जैसे फाइव हो गया सेवन नाइन, या दूसरा इस बार दूसरा नंबर लेते हैं एट फोर थ्री वन जीरो एट। अब हमको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर बस मार्क कर लेंगे ऐसे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड लैक्स, ऐसे मार्क कर लिए। चार्ट नहीं बनाए तो समझ में आ गया,
अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप 8 का प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, लैक्स प्लेस पे है तो आप लिख देंगे 8 लाख, या 8 के बाद देखिए लैक के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं ना, मतलब आप 5 डिजिट्स 50 यहाँ पे लिख देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन, मतलब दोनों ही तरह से आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, या तो आप चार्ट बना लीजिए या तो सिंपली मार्क करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नंबर नेम्स, ठीक है। नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे, अभी तक तो हम लोग प्लेस वैल्यू निकालना सीखे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीखे, उसके पहले हम लोग कैसे हमारा 5 डिजिट नंबर्स आया, कैसे 6 डिजिट नंबर आया, सक्सेसर प्रीडिसेसर के बारे में जाने। अब अगर कोई नंबर है 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर, तो उसका मतलब नेम कैसे लिखेंगे, ये कहिए उसको रीड कैसे करेंगे, इस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, समझते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से, 2 1 3 4 7 8, ये हमारा एक 6 डिजिट नंबर है, हमको इसको रीड करना है कि ये नंबर कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर को एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, या जैसे मैंने बताया उसके ऊपर हम लोग सबको मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये 8 वन्स प्लेस पे है तो ओ मार्क कर लिए, इसके ऊपर टी मार्क कर लिए, हंड्रेड, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर लाख। ठीक है ना, ऐसा मार्क कर लिए। अब हम लोग को इसको पीरियड्स में डिवाइड कर देना। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि जो बड़े 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 मतलब नंबर हो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हो, 6 7 5 ज़्यादा ही डिजिट्स हो, तो उनको हम लोग पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि शुरू का जो 3 डिजिट्स होता है वो होता है वंस पीरियड, उसके बाद का जो 2 होता है वो थाउजेंड्स पीरियड होता है, और उसके बाद का जो होता है वो लाख्स पीरियड होता है। कब तक, 2 डिजिट तक ही होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद सभी लाख के अंदर आ जाएंगे, सिर्फ 2 ही डिजिट तक होंगे। अब आपने पीरियड्स में भी डिवाइड कर लिया, और उसी के अकॉर्डिंग आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इतना बार बार करना दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, वंस पीरियड के पहले कॉमा लगा देंगे और थाउजेंड्स पीरियड के पहले एक कॉमा लगा देंगे। अब आपको इस रीड नंबर को रीड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस राइट, इस बार हम लोग लेफ्ट से चलेंगे, ठीक है ना। जब भी हम लोग प्लेस वैल्यू मार्क करते हैं तो राइट डिजिट से चलते हैं, लेकिन रीड करने के लिए हम लोग लेफ्ट डिजिट से चलेंगे, मतलब इधर से। तो अब देखिए 2 जो है ये कौन से पीरियड में है, लाख पीरियड में है, ठीक है। एक ही डिजिट है, लाख पीरियड में है, तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, 2 लाख। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखेंगे नहीं, केवल आपको रीड करके मैं समझा रहा हूँ। 2 लाख हो गया, अब ये 2 लाख हम लोग का क्लियर है। अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि एक जो पीरियड है उसमें 2 डिजिट हैं, ठीक है ना। और दो डिजिट कौन कौन सा है, 1 3 है, और 1 3 को हम लोग 1 3 को क्या रीड करते हैं, आपको पता है 1 3 होता है 13। तो ये 13 हो गया, और ये कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में, तो ये 13,000 हो गया, ठीक है ना। पहले था हमारा 2 लाख, फिर हो गया 13,000, उसके बाद ये हमारा 3 डिजिट, तो इसको तो रीड करना आप आसानी से जानते हैं, 478, ठीक है ना, 400 प्लेस पे है तो 400 और 7878 होता है। तो बस हो गया हमारा नंबर को रीड करने का प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर्स को, स्पेशली जो 5 6 डिजिट के हो, हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने रीड किया उसी को हम लोग को नंबर्स नेम्स में भी लिख देना है, जो अभी आपने रीड किया उसी को लिख देना है, ठीक है। तो आपने रीड किया 2 लाख, तो इसी को आप लिख दीजिए, TWO2LAKH लाख। आप चाहे तो सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, कॉमा देने से थोड़ा इजी रहता है रीड करना और समझना। अब उसके बाद है हमारा 13,000 पढ़े थे, तो लिख दीजिए 13,000। उसके बाद क्या रीड करते हैं हम लोग, 478, तो इसी को लिख देना है, 478, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नंबर नेम ऑफ दिस गिवन नंबर। कुछ नहीं करना है, हम लोग को पहले उसको पीरियड्स में पहले प्लेस मार्क कर लेना है, पीरियड्स में डिवाइड कर लेना है, और फिर ये देखना है कि किस पीरियड में कौन से डिजिट्स हैं, और उसी के बेस पे हम लोग को उसका नेम लिख देना है, ठीक है। तो नंबर नेम मतलब जो रीड करते हैं, जब उसी को हम लोग
वर्ड्स में लिखते हैं तो वही नंबर नेम्स कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड का मतलब था विस्तारित रूप, मतलब जैसे आपने किसी एक नंबर को लिखा, छोटा ही सा नंबर ले रहे हैं 2045, तो ये क्या, आपने सिर्फ 3 डिजिट्स का यूज़ किया और आपका एक नंबर बन गया 245। अब इसको विस्तारित रूप देना है, मतलब विस्तृत करके लिखना है, मतलब पूरा बढ़ा कर लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसी जो जो डिजिट्स यूज़ हुए हैं उनका प्लेस वैल्यू लिख देना है। जैसे 200 प्लेस पे है तो 200 हो गया, 4 10s प्लेस पे है तो 40 हो गया, और 5 1s प्लेस पे है तो 5 हो गया, और बीच में प्लस का साइन लगा देना है। तो ये जो आपको नंबर मिला, ये जो है आपका इसी के इक्वल है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंडेड हो गया, विस्तारित हो गया है, इसीलिए इसी को हम लोग कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर। अब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ भी हम लोग को बस प्लेस वैल्यू ही ध्यान देना है, प्लेस वैल्यू ध्यान देना है, प्लेस वैल्यू लिखते जाना है और प्लस का साइन देते जाना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक बड़ा सा नंबर इस बार लेते हैं 452916, ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया। इसको हम लोग ऐसे इसकी तरह नहीं लिख सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स हैं, आसानी से हमको समझ में आ रहा था कि 200 है, 4 10s है और 5 1s है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, मार्क कर लिए, अब हमारा काम हो गया। अब हम लोग उसी को 4 लाख है, तो देखिए 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, यानी 4 लाख में 5 0s होंगे, ठीक है, प्लस अब 5 10,000 प्लेस पे है। अब इसमें कितने जीरोज होंगे, ये अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि इस डिजिट के, इस जो हम जिसका प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतना जीरो लगा देना है। मतलब 5 के बाद देख रहे हैं ना 4 डिजिट्स है, तो हम लोग 4 0 यहाँ पे लिख देंगे, वही हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली 2 का प्लेस वैल्यू होगा 2000 लिख लीजिए, 9 का हो जाएगा 900, और 1 का 1 10s 10, और 6 1s का 1s प्लस पे 6 है तो 6 1s। तो यही आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल, आप लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़े भी हैं, ठीक है। अब एक आगे हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग अबैकस। अबैकस क्या होता है? तो अबैकस एक बहुत ही एंशियंट मेथड है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसको अबैकस होता क्या है, तो उसमें एक बीड्स होता है, स्पाइक्स होते हैं, ठीक है ना, और उसको हम लोग स्पाइक अबैकस फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल से। ये एक 5 डिजिट नंबर ले रहे हैं, ठीक है, हमको इसको डिनोट करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है अबैकस है, तो एक अबैकस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है, तो 5 बॉक्स बना लेंगे, फाइव बॉक्स बन गए। अब इस बॉक्स में हम लोग इसका जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग, प्लेस भरना नहीं है, उसको मार्क करना है। जैसे वॉन्स, ये जो बॉक्स है वॉन्स प्लेस के लिए है, ये 10s प्लेस के लिए है, ये 100s प्लेस के लिए है, ये 1000s प्लेस के लिए है, और ये 10,000 प्लेस के लिए, ठीक है। ये हमने बॉक्स में उस प्लेस को मार्क कर लिया। इसके ऊपर स्पाइक, स्पाइक मतलब होता है इस तरह का जो कांटेदार, जो स्पाइक मतलब कांटा भी होता है, ठीक है, कांटेदार, यानी कि एक सीधा सीधा उसके ऊपर एक लकीर खींच देना है। तो ये हमारा बन गया स्पाइक अबैकस, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग को इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर में 7 जो है ये कौन से प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे है, और ये 1 कौन से प्लेस पे है, 10s। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, और आपको यहीं पे याद हो जाए कि ये है क्या, ठीक है। ठीक है, तो ये जो प्लेसेस है, प्लेस वैल्यू है, मैंने इसको मार्क कर लिया।
अब देखिए वंस प्लेस पे कितने, कौन सा डिजिट है, 7 डिजिट है। तो 7 डिजिट के लिए हम लोग 7 बीट्स, बीट्स मतलब होता है जो गोल गोल जो ऑब्जेक्ट होता है ना छोटा छोटा, उसको हम लोग बीट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। वो गोली मोती जैसा होता है, आप लोग देखे होंगे, उसका माला में भी लगता है, गोल गोल होता है, उसको बीट्स कह सकते हैं। उसमें धागा लगा के आप लोग जो मोती का माला बनाते हैं वो बीट्स होता है, उसी बीट्स को हम लोग यहाँ पे 7 है, वंस प्लेस पे 7 है तो मतलब बना देना है। अगर रियल एबेकस होगा तो उसमें बीट्स एक्चुअली में होगा, जिसको हम लोग उसके अंदर डाल देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे नहीं, बनाएंगे। तो वंस प्लेस पे 7 है तो 7 बीट्स ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 7 हो गया, ये ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब देखिए टेंथ प्लेस पे 1 है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे एक ही बीट्स बनाएंगे। हंड्रेड प्लेस पे 9 है तो 9 बीट्स बनाएंगे। ओके, अब 1000 प्लेस पे 2 है, देख सकते हैं 1000 प्लेस पे 2 है तो सिर्फ 2 ही बीट्स बनाएंगे। बनाएंगे पेपर में तो हम लोग बना ही सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर आपके पास हो तो आपको बीट्स उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। 10000 में 4, ठीक है। अब यही हो गया हमारा एबेकस, ठीक है। और आपको यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, जो आपने यहाँ पे डाला यहाँ पे लिख सकते हैं 7 1 9 2 4, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, आप वहाँ लिख दें या नीचे भी लिख सकते हैं 7 1 9 2 4। तो ये नंबर अगर नीचे लिख देंगे तो और वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा एबेकस, और इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर को एबेकस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको और हम लोग अच्छे से जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो एक आध बनाकर आप लोग को हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट, अब तक हमने जो भी पढ़ा है, अब तक जो भी हमने समझा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोग जो भी पढ़े हैं वो आप लोग और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है और इसी नंबर को एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये भी बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को जब किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो या तो हम उसको जैसे ये वंस है, टेंस है, हंड्रेड है, थाउजेंड है और ये 10000 है, मार्क कर लिए। अब 7 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7000 हो जाएगा अगर आप डिजिट्स यूज़ करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो क्या लिखेंगे, 7 लिखकर 1000 से लिख देंगे। तो यहाँ भी सभी डिजिट्स का एक तरह से प्लेस वैल्यू लिखा गया है कॉमा का सेपरेटर यूज़ करके। तो आपको बस ये बताना है कि इस ब्लैंक प्लेस पे क्या होना चाहिए, ठीक है ना, और फिर उसी डिजिट्स को फिल कर देना है इस नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 10000, मतलब जो 10000 प्लेस पे ये डिजिट होगा उसी डिजिट को हमको यहाँ पे भर देना है। तो पहले एक बार मार्क कर लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, ठीक है। तो ये 6 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड प्लेस पे है, ये थाउजेंड प्लेस पे है और ये 10000, आपने मार्क कर लिया। अब देख सकते हैं आप ये 10000 प्लेस पे क्या है, 2 है ना। तो 10000 के पहले आपको यहाँ पे 2 फिल कर देना है। 7000 ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ छोड़ दीजिए। अब हंड्रेड प्लेस पे क्या है, तो देखिए हंड्रेड प्लेस पे यही हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। फिर 2 10s and 6 1s, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं करना। फिर सिमिलरली आप यहाँ पे जो नंबर दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए 7 8 6 2 3 4, मार्क कर लीजिए। सेम चीज़ आपको रिपीटेडली करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, आपको गलती मतलब आप गलती नहीं करेंगे अगर आप इन सब स्टेप्स का यूज़ करेंगे रेगुलर। तो अब यहाँ पे देखिए लाख्स के प्लेस पे क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे लाख्स के प्लेस पे 7 है तो 7 लिख देना है। फिर 10000 प्लेस पे क्या है, 8 है, यही ना है, तो 8 लिख दीजिए। फिर 6000 से ऑलरेडी फिल्ड है। फिर हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 3 10s and 4 1s ऑलरेडी गिवेन है, तो
इस तरह से हम लोग को अपना और भी इसमें कुछ नंबर्स होंगे वो आप उसको बना लेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं, हमारा लर्नवेल का बुक है उसी में से लिए हैं। तो अगर आपके पास वो बुक है आप आसानी से आप उसमें से आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी एक्सरसाइज के। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा आपको डिजिट्स डिफरेंट मिले बट पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप इनको भी समझ कर इसी से रिलेटेड सभी बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को प्लेस वैल्यूज दिए हैं, ठीक है ना। अब इन प्लेस वैल्यूज का यूज करके हम लोग को न्यूमरल्स लिखना है, ऑलराइट। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो वैल्यूज होते हैं प्लेस वैल्यूज उनका एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, ठीक है ना। ये एक टेबल के फॉर्म में ऐसे बना लीजिए, देखिए यहाँ पे एक ही रो बना है, ठीक है, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है तो एक क्या करते हैं एक और रो इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि इसी में बार बार बनाना ना पड़े, इसी में हमारा दूसरा नंबर भी आ जाए। अब आप देखिए नाइन टेन थाउजेंड्स है ना, तो टेन थाउजेंड्स के नीचे नाइन लिख दीजिए, थाउजेंड सिक्स है तो इसके नीचे सिक्स लिख दीजिए, इसी तरह से आप भरते जाइए, एकदम बहुत ईजी है, ठीक है। और फिर सिमिलरली यहाँ पे टू लैक्स है तो लैक्स के नीचे, मतलब ये वाला रो तो भर गया, अब इसमें नहीं भरना है, अब सेकेंड वाले रो में भरिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्स टू है तो टू भर दीजिए लैक्स के नीचे, फिर नाइन टेन थाउजेंड यहाँ भी नाइन है, सिक्स थाउजेंड यहाँ भी वही है, थ्री हंड्रेड नाइन एंड ज़ीरो, अच्छा मतलब सिमिलर है, यहाँ पे डिजिट्स आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर है तो मैंने सिमिलर लिख दिया। अब आपने भर दिया, अब आपको आंसर आसानी से देंगे, ए जो हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बस यही जो आपने यहाँ भरा है उसी को लिख देना है, नाइन सिक्स थ्री नाइन ज़ीरो। अब बी क्या हो जाएगा, तो टू नाइन सिक्स थ्री नाइन ज़ीरो, यहाँ पे कोइंसिडेंशली डिजिट्स मिल गए बट हमेशा नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भी आपको इस तरह से लिखा हो, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं, तो उसको अगर आपको न्यूमरल में लिखना हो तो ऐसे ही आप एक छोटा सा टेबल बना के आसानी से लिख सकते हैं, ऑल राइट। देखते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखिए क्या हमको करना है, प्लेस वैल्यू बताना है, किसका बताना है, तो अंडरलाइन डिजिट का, मतलब जिस डिजिट के नीचे लाइन खींचा हुआ सिर्फ उसी का प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, आपके बुक में और भी होंगे, ठीक है ना, और ये नंबर्स हो सकता है आपके बुक से मैच करें नहीं मैच करें, उससे आप चिंता मत करिएगा। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए का आंसर हमको देना है, तो पहले हम लोग इस नंबर को एक बार लिख लेंगे अपने कॉपी में, जब भी इसको बनाएंगे तो पहले इसके कॉपी में इस नंबर को लिख लेंगे और हम लोग भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब लिखेंगे क्या कि द प्लेस वैल्यू ऑफ किसके नीचे अंडरलाइन है, थ्री के नीचे है तो थ्री लिख देंगे और फिर इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये आपका वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है, ठीक है ना, बाकी से हमको मतलब नहीं है, केवल इस वाले से मतलब था, तो हंड्रेड्स प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 300। सिमिलरली बी में क्या है आपका 573655, यहाँ अंडरलाइन 3 पर है तो यहाँ भी जब आप इसका लिखेंगे तो लिख देंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो देखिए कौन से प्लेस पे है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड प्लेस पे है ये, तो हमको बाकी सबका मार्क करने का जरूरत नहीं है, थाउजेंड प्लेस पे है तो 3000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी नंबर गिवन हो, किसी भी डिजिट के नीचे अंडरलाइन हो, उसका प्लेस वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, तो प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, आपको ध्यान होगा, उसको हम लोग एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। कहाँ पे मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था, ये रहा, इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए और फिर इसी तरह से हम लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दो नंबर है, प्लेस वैल्यू चार्ट जब भी बनाना हो तो हम लोग एक ही चार्ट बनाएंगे और उसी में जितने भी नंबर दिए हो सबको मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अलग अलग चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक सिक्स डिजिट नंबर, एक फाइव डिजिट नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन रो बनाएंगे और हर एक रो में पाँच पाँच या सिक्स है ना, सिक्स कॉलम्स रहेंगे, मतलब सिक्स बॉक्स रहेंगे हर एक रो में। तो एक एक बॉक्स हो जाएगा इधर, दो तीन चार पाँच और ये छः, ठीक है, छः कॉलम हो गया। अब हम लोग तीन रोज बनाएंगे, तो एक रो ये हो गया, एक सेकेंड रो ये हो गया और ये थर्ड रो हो गया। अब पहला रो होगा हम लोग जिसमें हम लोग मार्क करेंगे अपने प्लेसेस को। तो ये हमारा पहला है वंस प्लेस, फिर ये टेंथ प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरा उसको स्पेलिंग्स लिखना। 10,000 और ये लाख, ये हमारा बन गया, बॉक्स बन गया। अब हम लोग को जैसे ये दो है तो यहाँ पे इसको ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए और अब आप क्या करिए उसको वंस प्लेस से भरते जाइए। तो पहला नंबर को हमको भरना है राइट साइड से, तो पहले यहाँ क्या भरेंगे, फाइव भरेंगे, फिर टू, फिर फाइव, वन, थ्री, हो गया प्लेस वैल्यू चार। अब ये जो बी नंबर है उसको भी हम लोग उसी तरह से राइट साइड से भर देंगे, 3, 0, 5, 7, 5, 7, बन गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर इसमें दो और नंबर होते हैं तो उन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे दो नीचे दो रो और जोड़ लेते नीचे और इसी में लिख देते हैं, ठीक है ना, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर नेम लिखना है। तो अभी हमने समझा था कि नंबर नेम कैसे लिखते हैं, तो बस लिख दीजिए फाइव, पहले जो नंबर है उसको लिख लीजिए, ठीक है। और आप चाहें तो उधर वंस टेंस हंड्रेड्स मार्क कर सकते हैं या फिर आप कॉमा का भी यूज़ कर, जैसे ये वंस हो गया, टेंस हंड्रेड, फिर कॉमा और फिर ये हमारा थाउजेंड्स, केवल पीरियड में बांटेंगे, ठीक है। ये वंस पीरियड, ये थाउजेंड्स पीरियड, आप देख सकते हैं थाउजेंड पीरियड में टू डिजिट है 59, तो ये क्या हो जाएगा 59, तो लिख दीजिए 59 थाउजेंड्स। उसके बाद हमारा वंस पीरियड में है 946, 946 क्या होता है 946। तो ये तो थ्री डिजिट्स तक रीड करना आसानी से आता है, 59,000 हो गया। अब जो लास्ट का थ्री डिजिट बचा उसको लिख देना है, मतलब 946। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर हमको लिखना हो बी नंबर में 587570, तो यहाँ भी हम लोग उसको पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में थ्री डिजिट्स होता है, फिर उसके बाद टू टू डिजिट्स होते हैं, ये आप जानते हैं। ये आपका है वंस पीरियड, ये थाउजेंड्स पीरियड है और ये लाख पीरियड है, ठीक है ना। तो हम लोग शॉर्ट में एल लिख रहे हैं और यहाँ लाख पीरियड में एक ही डिजिट है, ठीक है ना, मैक्सिमम दो डिजिट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए 5 लाख में जब रीड करेंगे तो लेफ्ट साइड से, इधर से रीड करेंगे, तो आप देख सकते हैं पहला हमारा 5 है जो लाख पीरियड में आता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 5 लाख। उसके बाद आ रहा है 87, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं 87, यानी 87 कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, थाउजेंड्स पीरियड में है। तो हम लोग लिख लेते हैं 87 थाउजेंड पीरियड में, इसलिए लिख देंगे थाउजेंड्स। और फिर वंस में 570 तो आप जानते हैं 570 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी यहाँ नंबर्स होंगे आपके एक्सरसाइज में, उसको आप उसका नंबर नेम लिख दीजिएगा। आप चाहें तो ये मार्क कर लें, ये रफ वर्क है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट कॉमा ज़रूर आप यूज़ करिएगा, ठीक है ना, ये सेपरेटर जो है कॉमा ये आपको ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पिछले वाले का उल्टा है, वहाँ पे हमने न्यूमरल में लिखा हुआ था नंबर, उसको हमने वर्ड में लिखा, अब यहाँ पे वर्ड में है उसको हम लोग न्यूमरल में लिखना है, मतलब डिजिट्स का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो पहला है 49,000, मतलब कि हमारा एक थाउजेंड पीरियड है, तो मार्क कर लीजिए थाउजेंड पीरियड।
और फिर उसके बाद है 819, यानी वंस पीरियड है। बस यही दो पीरियड इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 1000 पीरियड्स में क्या है आपका, 49 है ना। तो आप इसके नीचे 49 लिख दीजिए, सेपरेटर कॉमा लगा दीजिए, और वंस पीरियड में क्या है 819। 819 तो आपको लिखना आता ही है, हो गया। ऑलराइट, वेरी सिंपल। बी में भी उसी तरह से देखिए, पहला आपका क्या आ रहा है, लाख आ रहा है ना। तो लाख मतलब लाख पीरियड भी यूज हुआ है, तो इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, मतलब 1000 भी यूज हुआ है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, तो ये तो लास्ट में 1000 के बाद वंस आता है, जो बच गया वो वंस हो गया। ओके, अब देखिए लाख में क्या है आपका, 5 है, मतलब यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और इसके बाद सेपरेटर, जब भी पीरियड चेंज हो सेपरेटर यूज कर देना है। 1000 में क्या आपका 49, तो 49 लिख दीजिए। और वंस में क्या है 851, तो 851 हो गया। तो ये हो गया आपका वर्ड टू न्यूमरल फॉर्म। इसी तरह से अगर और भी आप और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे आप लिख सकते हैं। और एक बात मैं फिर से बता दूं, ये हो सकता है कि एग्जैक्टली मैच कर जाए आपकी एक्सरसाइज से, या थोड़ा डिफरेंट भी आए, तो आप उससे चिंता मत करिएगा। उसको आप जैसे आप समझे हैं उसी तरह से आप उसको अपना बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है, देख ही रहे हैं आप, 7 क्वेश्चन अब तक हम लोग 6 बना लिए हैं, 7th पर अब आ गए हैं। अब ये इसमें हम लोग को इस नंबर, गिवन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये भी हमने अभी सीख लिया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोग को ये दो नंबर, दो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे मैंने बताया था वो तो आपको ध्यान में है, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा कुछ ना करके सिंपल ट्रिक अगर जाने, तो क्या करना है हमको कि लेफ्ट साइड से डिजिट से उसको प्लेस वैल्यू लिखते जाना। कैसे लिखेंगे, तो पहले तो ये डिजिट को लिख लीजिए, और इसके बाद जितने डिजिट है 4 को छोड़कर जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दीजिए, और फिर प्लस का साइन दे दीजिए, हो गया। अब उसके बाद 1 है तो 1 लिखिए, 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 लिख दीजिए। प्लस 3 है उसके बाद का डिजिट, तो 3 लिख दीजिए। और इसके बाद कितने, 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, आप देख सकते हैं, तो 2 0। फिर 4 है, 4 के बाद एक ही डिजिट है, तो 1 0। और फिर 2 है, 2 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो बस 2 ही लिख देना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 315252, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एरो नहीं लगाना है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बट डोंट यूज एरो राइट, बिकॉज ये इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्वल का मार्क साइन यूज करना है। अब सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट लिख लेंगे, और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0, ठीक है ना। 5 डिजिट 5 0, फिर 1 के बाद 4 डिजिट, तो 4 0, ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 प्लस 2। तो इसी तरह से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आप बना लीजिए। अब नंबर 8, ये उसका अपोजिट है, यहाँ पे ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो उसके बाद इसको हमको न्यूमरल में लिखना है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कितने मतलब न्यूमरल्स यूज हुए हैं, कितने प्लेस वैल्यूज यूज हुए हैं, तो देखिए 5 प्लेसेस यूज हुए हैं, और जो आपका जो फर्स्ट है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। मतलब अब हम लोग को कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि जैसे ये 5 न्यूमरल्स यूज हुए हैं, और जो पहला हमारा न्यूमरल होगा उसमें डिजिट्स जो हैं वो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है ना, क्योंकि वहीं पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। बीच में एक 0 मिसिंग रहता है, तो उसके जगह पे वो लोग लिख देते हैं, मतलब 0 छूट जाता है उनका, क्योंकि 0 उसमें होता नहीं है, वो भी 0 लिखते नहीं, तो इससे उनका नंबर जो है वो गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करें तो पहले आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट हैं। यहाँ जो पहला नंबर है उसमें 5 डिजिट हैं, और यहाँ पर टोटल 5 न्यूमरल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल सबका जो पहला न्यूमरल है मतलब पहला डिजिट को लिखते जाना, जैसे 1 5 3 1 1, हो गया आंसर।
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 न्यूमरल्स हैं इस एक्सपेंडेड फॉर्म में। और जो पहला हमारा है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। यहाँ पे अलग अलग हो गया, इधर टोटल 5 है और इसमें 6 है, यानी कि कोई एक मिसिंग है, यानी वहाँ पे 0 होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 के बाद 60 है ना, तो ठीक है आप 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो 7 आ रहा है उसके बाद यहाँ पे कितना 0 है, 4, जबकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए और 4 ही है, तो आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 7 लिख दीजिए सिंपली। अब 4 के बाद कितना आना चाहिए, 0, 3 होना चाहिए। अब देखिएगा जब भी इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा तो नंबर ऑफ जीरोज घटते जाते हैं, एक एक कम होता है। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 4 होगा, 4 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 4, 3, 2, 1, फिर एक भी नहीं। उस तरह से यहाँ पे 5 है तो 4 हुआ, 4 हुआ के बाद 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं है। इट मीन्स ये 4 के बाद वाला जो है वो 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 4 डिजिट है, यानी यहाँ पे इसके बाद एक डिजिट मिसिंग है ना। तो मिसिंग है यानी क्या होगा, अगर मिसिंग है, जो मिसिंग होगा उसके प्लेस पे हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 3 वाला हो गया, 3 वाला तो कुछ नहीं था तो 0 लगा दिए। अब 2 वाला आ गया, 2 वाला 6 है तो 6 लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये 1 है, 2 के बाद 1 होता है, यानी कि 6 के बाद 8 होगा, और फिर ये 3 हो गया। अगर आपको इसमें कठिनाई हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा 5 डिजिट्स हैं, इट मीन्स ये 4 हमारा लाख प्लेस पे है, तो लाख के नीचे 4 लिख दीजिए। ये 70,000 है, मतलब ये 10,000 है, ठीक है, 10,000, 1,000, 100, 10s, 1s। अब देखिए ये हमारा 4 लाख है तो लाख के नीचे 4 लिख दिए। ये 70,000 है, मतलब 7, 10,000 है, तो 10,000 के नीचे 7 लिख दिए। अब आता है 1,000, तो 1,000 तो यहाँ है नहीं, 600 है, 1,000 नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 0 होगा। अब 100 कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लिए। यहाँ पे 8 10s है, मीन्स 8 लिख दिए, और 3 1s है, मतलब 1s के नीचे 3 लिख दिए, और इसी नंबर को यहाँ पे लिख देना है, तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सीधे डायरेक्ट समझ में आएगा तो आप वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मार्क करके भी उसके नीचे जो मिसिंग है उसके नीचे 0 लिख कर भी हमारा न्यूमरल लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया हमारा ये जो क्वेश्चन है, ड्रॉ ए स्पाइक एबेकस फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था स्पाइक एबेकस, उसको अब हम लोग इस क्वेश्चन में बनाकर और अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए गिवन नंबर है हमारा 3, 4, 2, 5, 6। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 डिजिट्स है तो 5 बॉक्स बनाएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के ऊपर एक स्पाइक्स हम लोग ऐसे डालना है, स्पाइक्स इसको बोलते हैं, जो लाइन खींचते हैं ऊपर इसको स्पाइक्स बोला जाता है। और इस बॉक्स को जैसे हम लोग 1s, 10s, 100 होता है, जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में भर लेना है। मतलब ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, 1s, 10s, 100, 1,000 and 10,000, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इसके नीचे भी एक छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं, और इस बॉक्स में ये जो नंबर है गिवन उसको हम लोग फिलअप कर देंगे, मतलब 3, 4, 2, 5, 6। अब हमको करना क्या है, तो 1s प्लेस पे जितना डिजिट है उतना यहाँ पे बीट्स, मैंने बोला था ना राउंड राउंड सर्कल जैसा बना देना है, तो 6 है तो 6 बार ऐसे बनाएंगे। देखिए ये हम लोग इसका ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग ऐसे ही बनाना है। अगर आपके पास रियल एबेकस हो, किसी मतलब रियल एबेकस भी होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बीड्स होता है, जैसे आपने मोतियों का माला देखा है जो मैंने बताया भी था, वही जितना जैसे ये 6 है तो 6 ठो मोती का माला उस पर, या जो भी है बीड्स, गोल गोल होगा, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, या किसी भी मटेरियल का वो बना हो सकता है, उसको हम लोग उसमें डाल देना है। 6 है तो 6 करो, अब यहाँ पे डालना नहीं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करना। 5 है तो 5 सर्कल बीड्स ऐसे बना देना है। अब ये 2, फिर 4, और फिर 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पाइक एबेकस, मतलब इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक एबेकस, या सिंपली एबेकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये वाला भी बनाएंगे, बहुत इजी है,
आई डोंट थिंक मुझे अब आपको बताने की जरूरत पड़ेगी दोबारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ये है क्या कि यहाँ भी हम लोग को न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, प्लेस वैल्यू दिए हुए हैं, लेकिन ये जम्बल्ड हो गए हैं। जम्बल्ड का मतलब इधर उधर, ठीक है ना। एक मतलब जैसे हम लोग अब पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पे आप आपने देखा था कि ये एकदम जो सीक्वेंस में है, यहाँ पे 40 फिर 30 फिर 2 फिर 1, मतलब घट रहा है नंबर ऑफ जीरोस घट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जम्बल्ड हो गया है। जम्बल्ड मीन्स यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, इधर उधर हो गया। तो हम लोग को इसका न्यूमरल फॉर्म लिखना है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सही करेंगे, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 है, सबसे ज़्यादा यहाँ जीरो है, तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे प्लस। अब 4 से ठीक कम यहाँ पे है, इसमें जीरो है, तो इसको लिख लेंगे। अब 3 से जस्ट कम 2 होता है, तो 20 यहाँ है, तो इसको लिख लिए। अब 2 से 1 यानी ये 20, और फिर लास्ट में जिसमें 0 नहीं है उसको लिख लेंगे। हो गया, हमने इसको अरेंज कर लिया 0 के घटते हुए ऑर्डर में। अब बस जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिख देना है, मतलब ये हो जाएगा हमारा, देखिए 4 3 2 1 0, मतलब कोई मिसिंग नहीं है, यानी कि हम लोग सीधे लिख सकते हैं ऐसे 4 3 1 2 5 आंसर। तो इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद बनाइएगा, बहुत सिंपल है। ऑलराइट, अरेंज कर लीजिएगा, ये भी जम्बल्ड इधर उधर है, और फिर उसका जो न्यूमरल है वो लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर पर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या होता है। मैंने आप लोग को इसके बारे में पहले ऑलरेडी थोड़ा बहुत ब्रीफली बता दिया है, और एक्चुअली में वो उतना ही है, उससे और ज़्यादा आप लोग को मतलब है भी नहीं। सक्सेसर का मतलब ही होता है नेक्स्ट नंबर। ठीक है ना, कोई भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर को हम सक्सेसर बोलते हैं। सपोज कीजिए 5 है, तो 5 का सक्सेसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है ना, 500 है, तो 500 का सक्सेसर क्या होगा, 501, मतलब उसके बाद का नंबर। ठीक है ना, और ये कैसे निकलता है, मान लीजिए कोई एक बड़ा सा नंबर है, हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उसका सक्सेसर क्या होगा, 452109, इसके बाद का क्या नंबर होगा हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है ना, बच्चों को जनरली जब 9 हो लास्ट में और पहले 0 हो तो वो गलती कर देते हैं अक्सर। तो हम कैसे निकालेंगे सक्सेसर इस कंडीशन में, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि उसके बाद का नंबर कौन सा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे उस नंबर में, और जब प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वही उसका सक्सेसर। जैसे 9 + 1 = 10 का 0 कैरी 1, 1 + 0 = 1, फिर ये 1 2 5 4, तो ये जो आपको मिला 4,52,110, ये हो गया आपका क्या, सक्सेसर हो गया इस नंबर का। ठीक है, या ये कही कि उसका नेक्स्ट नंबर हो गया। अब प्रीडिसेसर क्या है, तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है प्रीवियस नंबर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, प्रीवियस का मतलब जस्ट प्रीवियस, यहाँ पे ध्यान देना है ठीक पहले वाला। जैसे अगर मैं बोलूँ तो 5 के बाद 6 आता है, 7 भी 5 के बाद ही आता है, ठीक है ना, 8 भी 5 के बाद ही आता है, बट हम 8 और 7 को 5 का सक्सेसर नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि 7 और 8 से पहले 6 भी आता है जो 5 के बाद आता है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब हमको 5 का जस्ट नेक्स्ट नंबर चाहिए, ये नहीं कि नेक्स्ट कोई सा भी नहीं लिखना है, सिर्फ जस्ट उसके बाद वाला। और वो कैसे मिलेगा, तो 1 ऐड करने से। उसी तरह से प्रीवियस नंबर अगर निकालना हो तो जस्ट पहले वाला, मतलब उसमें से 1 माइनस कर, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 4। ठीक है ना, 5 के पहले 3 भी आता है, 2 भी आता है, लेकिन वो 5 के प्रेडिसेसर नहीं होंगे। 5 के जस्ट पहले क्या आता है, 4 आता है, मींस 4 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 5। सिमिलरली अगर कोई बड़ा नंबर जैसे 500 के जस्ट पहले क्या आएगा, वैसे तो बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा आराम से आप लोगों को कि इसके पहले 499 आता है। लेकिन अगर कोई डाउट है, कोई ऐसा नंबर हो गया जैसे 1529600, ये एक बड़ा नंबर है, अब इसका प्रेडिसेसर बोला जाए निकालने के लिए, तो छोटे बच्चों को या मतलब जनरली इस क्लास के बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कुछ बच्चों को, सभी को नहीं, तो वो कैसे इसको निकाल सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो जाए कि क्या होगा इसका प्रेडिसेसर। तो
तो कुछ नहीं करना है, इसी नंबर में से माइनस कर देना है 1 और सब्ट्रैक्शन करना आई होप कि सभी क्लास 4 के सभी बच्चों को आता है। तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो वो बोरो लेगा इस वाले 0 से, तो ये 0 भी ऑलरेडी 0 ही कुछ नहीं है, तो ये भी यहाँ से इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो अपने वाले बगल वाले डिजिट से बोरो लेगा, तो ये 6 हो जाएगा 5 और ये 0 हो जाएगा 10। अब ये जो 0 है ये अपने बगल वाले यानी 10 से एक बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 9 के बाद कुछ है नहीं तो अब सिर्फ 9 ही आ जाएगा, तो 5 9 2 5 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसर इस नंबर का। तो जब भी कंफ्यूजन हो किसी नंबर का, प्रेडिसेसर ऑफ दिस गिवन नंबर, तो जब भी कंफ्यूजन हो कि सक्सेसर नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा तो 1 प्लस कर लेना है, और जब भी कंफ्यूजन हो प्रेडिसेसर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 माइनस कर लेना है, प्रेडिसेसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक्सरसाइज जो है 1.2 इसके बाद वाला एग्जैक्टली सक्सेसर और प्रेडिसेसर पर, जैसे मैंने भी बताया आपको पहला का सक्सेसर निकालना है, तो एक बार आप क्या करेंगे उस नंबर को लिख लेंगे और फिर नीचे लिख देंगे द सक्सेसर ऑफ, ताकि पता चले। आप क्या करते हैं कि सिंपली वो नंबर लिखेंगे या द सक्सेसर भी लिख लेंगे तो काम चलेगा, और ये जो नंबर है 20834 अच्छा रहेगा कि आप प्लस 1 करके ही सक्सेसर फाइंड करें, क्योंकि इसमें आपका मिस्टेक होने का चांसेस कम है, कम क्या नहीं है ऑलमोस्ट, सो दिस इज योर सक्सेसर। बच्चे क्या करते हैं कि नंबर को ऐसे लिख देते हैं और इक्वल्स टू करके ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे नहीं करना है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग मेथड, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है आपने किया क्या है, और इसका मतलब होता है कि दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर विच इज एक्चुअली नॉट। आप देख सकते हैं 34 इज नॉट इक्वल टू 35, बट आप ऐसे लिख देते हो, तो ऐसा नहीं लिखा करो, प्रॉपर साइन और वर्ड्स का यूज करके ही सॉल्व करना है। सिमिलरली अब इसका 2 नंबर का 1 2 4 4 0 0, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले तो लिखेंगे क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं सक्सेसर, तो सिंपली लिख देंगे द सक्सेसर इज इक्वल टू, और फिर वो जो नंबर है वो लिख लेंगे और फिर प्लस कर देंगे 1, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही बनाना है। अब नेक्स्ट, जैसा सक्सेसर था वैसे ही प्रेडिसेसर है, अब एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप नंबर लिखिए और सीधे नीचे लिख दीजिए द प्रेडिसेसर, क्या निकाल रहे हम लोग, प्रेडिसेसर निकाल रहे हैं। यहाँ भी आप लोग वैसे ही करते हैं, सीधे सीधे वर्ड इज इक्वल टू करके दे देते हैं तो आंसर वैसे नहीं देना है, गलत हो जाएगा। प्रेडिसेसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20834 माइनस 1, ऐसा करिए तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा और टीचर्स को भी दिक्कत नहीं होगा, आपको इजीली आप आंसर फाइंड कर लेंगे, गलती नहीं होगा, ठीक है। अब उसी तरह से ये 1 2 4 4 0 8 है तो लिख लेंगे क्या यहाँ पे द प्रेडिसेसर, और मैं इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप जब बनाएंगे तो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। पता चला कि इतना बताने के बावजूद भी आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, तो ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही बनाना है। और प्रेडिसेसर क्या है आप समझते हैं। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट नंबर, अब यहाँ पे करना वही है बट थोड़ा वर्ड चेंज हो गया, वहाँ पहले हम लोग सक्सेसर फाइंड किए थे, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे भी वही, जब क्वेश्चन चेंज हो गया है तो हमारा सोल्यूशन भी मतलब वर्ड चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग द नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 33224 प्लस 1। नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए भी वही मतलब सक्सेसर निकालना, नेक्स्ट नंबर निकालना मतलब सक्सेसर निकालना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे अलाइनमेंट का भी, ठीक है। तो सिंपली 1 ऐड करना था, बहुत ही सिंपल एडिशन है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन टू मच इन दिस टॉपिक। अब ये क्या करेंगे, तो वही कुछ नहीं करना है, द नेक्स्ट नंबर निकालना है
और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं दो दो बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब बनाएंगे तो फिर वही गलती नहीं करेंगे जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी वार्न किया हुआ है, ठीक है। आंसर ठीक है, तो सक्सेसर निकाला तो भी वही आपने किया, नेक्स्ट नंबर निकाला तो भी आपने वही किया, बस क्या है थोड़ा वर्ड चेंज हो गया है। सॉरी अब ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब दो ब्लैंक स्पेसेस हैं आपको इसको फिल करना है। तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो इस वाले नंबर से पहले होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा वो इस वाले नंबर से पहले होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फिल करेंगे। तो इसको फिल कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा नंबर है उसके ठीक पहले वाला नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर डाउट हो तो रफ में आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस प्लेस पे 5 है और 5 से पहले क्या होता है 4, तो 4 लिख दीजिए और बाकी सबको एज इट इज लिख दीजिए। अगर डाउट हो तो आप 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, ठीक है। अगर नहीं तो आप सिंपली लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये वाले नंबर के जो पहले आता है वो लिख देंगे, मतलब 4 के पहले 3 आता है, 3 3 0 1 6, ठीक है। सिमिलरली आप ये भर लेंगे, इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 1 1 3, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, स्पेस कम हो जाया है। ये नंबर है हमारा 272312, अब इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 272311 है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब इसके पहले क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0 1 3 2 7, तो ये हो गया आपका, भर जाएगा इस तरह से, सब बन वैसे ही रहा है, बस थोड़ा सा क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा उसको लिखने का तरीका चेंज है और हम लोग को उसी को समझ लेना है और फिर उसके हिसाब से आंसर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कम्स इन बिटवीन, ये दो नंबर दी हैं इनके बीच का नंबर लिखना है, तो इनके बीच का नंबर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो पहला नंबर है हमारा इसके बाद का जो भी नंबर आ रहा है जो इससे छोटा होना चाहिए वो लिख देना है, ठीक है ना। और वैसे यहाँ पे लिखा है 2 नंबर्स, तो इसमें से 2 बार प्लस 1 करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, तो पहले जो नंबर है वो लिख लेते हैं, 2 1 1, एट फोर एंड 2 1 1 8 7, ये जो नंबर है पहले मैंने उसको लिख लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे एरो मार्क दे सकते हैं, ठीक है ना। और हमको नंबर्स चाहिए ना, तो 2 नंबर्स चाहिए इन बिटवीन, तो यही थोड़ा वर्ड्स में लिख लेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। द 2 नंबर्स सिंपली भी आप लिख देते हैं वो भी चलेगा, बट अगर ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे तो अच्छा लगता है। The 2 numbers that comes, और आपको भी थोड़ा आंसर लिखने का हैबिट होता है अगर आप ऐसे वर्ड्स में लिखते हैं तो, ठीक है ना। The 2 numbers that comes in between 2 1 1 8 4 and 2 1 1 8 7, अच्छा इसको क्या होगा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग R, क्या होंगे कौन कौन से होंगे, तो पहले तो आप ये जो नंबर है इसके ठीक नेक्स्ट वाला नंबर लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 1 8 5, मतलब 21,185, और नेक्स्ट क्या उसके बाद का क्या होगा, तो 85 के बाद वाला लिखिए 21,186। अब देखिए यहाँ पे बार बार कॉमा आ रहा है तो हमने सेपरेटर थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे सेमी कोलन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर कॉमा अगर यहाँ भी हम यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, ऐसा लगता है ये कॉमा जो है ये एक इसी नंबर का पार्ट है, तो ये बात भी थोड़ा अपना ध्यान रखना है कि सेम सेपरेटर अगर आ रहा है तो हम लोग सेपरेटर थोड़ा चेंज कर देना है। तो आप क्या लिख लेंगे, द 2 नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन, थोड़ा वर्ड्स में आर, यही हमारे 21,185 21,186, और उसके बाद का नंबर यहाँ पे ऑलरेडी है ही 21,187, तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली एग्जैक्टली आप जब ये बनाएंगे तो
तो इसको भी आप लिख लेंगे द टू नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन करके, और फिर उसका आंसर आप लोग दे देंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट थ्री नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे, वहाँ पे टू नंबर्स था, यहाँ पे थ्री नंबर्स है, तो इसको मैं अभी आई डोंट थिंक कि मुझे करने की ज़रूरत है इसको सॉल्व, बट आप इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? द थ्री नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन दिस एंड दिस आर, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया। डॉट 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 का मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द थ्री नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन आर, ठीक है ना, डॉट डॉट के जगह पे आप लिखेंगे द थ्री नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन, और उसके बाद आर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 5, 2, ये 25 है, तो 25 के बाद क्या आता है, 26, उसके बाद क्या आएगा, तो 26 के बाद वाला नंबर लिखिए 1, 2, 5, 27, फिर इसके बाद वाला लिख दीजिए 1, 2, 5, 28। अब इसके बाद जो 29 है तो यहाँ पे ऑलरेडी है, मीन्स हमको थ्री ही नंबर्स लिखने थे, ठीक है। सिमिलरली आप इसका भी लिख लेंगे, ओके। अब ये क्या देगी, तो काउंटिंग बाय सेवेंस। काउंटिंग बाय सेवेंस का मतलब है कि सात जोड़ जोड़ के काउंट करना है, ठीक है। मतलब कि हमको, मेरा पहला नंबर रहेगा ये 20,817, और इसके बाद हम लोग को 7 प्लस कर करके लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे देंगे हम लोग, तो लिख देते हैं द फोर न्यूमरल्स आफ्टर या काउंटिंग बाय सेवन काउंटिंग बाय सेवन द फोर न्यूमरल्स आफ्टर 20,817, यही हमारा नंबर है। क्या होगा, तो इस बार हम लोग को 1, 1 नहीं ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है, तो 20,817 में आप 7 ऐड करिए यहाँ पे। ये रफ वर्क है, इसको आपको रफ में करना है। क्या करेंगे, ऐड किए आप, कितना आ गया, 7, 7, 14 कैरी 1, 2, 1, 0, 2, ये आ गया ना। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, पहला हमारा हो गया 2, 0, 1, 2, 4, ठीक है। 7 काउंट किए, मतलब 7 प्लस किए। अब फिर से हम ये जो नंबर है इसमें फिर से एक बार 7 ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 4, 11, कैरी 1 प्लस 2, 3, आप ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो ऐड कर लीजिएगा, कोई बहुत सिंपल ही एडिशन है। तो यहाँ पे आपका आ गया 20131। सिमिलरली अब क्या करेंगे, 131, यानी आपको वंस प्लेस में केवल 7 ऐड करना है, ये हो जाएगा 20138, है ना। अब आपको 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 डिजिट में आएगा, तो आप इसे 38 ले लीजिए, 38 में 7 ऐड करिए, कितना होगा, 45, ठीक है। तो अब आपको लास्ट में 45 लिख देना है, और बाकी ये जो 3 डिजिट्स है 201, ठीक है। तो ये हमारे 4 न्यूमरल्स हो गए। ये क्या है, ये 4 न्यूमरल्स काउंटिंग बाय 7 है, साथ साथ काउंट करके जब हमने लिखा तो हमको ये 4 नंबर्स मिले। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को क्या लिखा है, काउंटिंग बाय 300। ये जो मेन है, हम लोग को यही पर ध्यान देना है कि कितना काउंट करना है, 300 काउंट करना है, और जितना काउंट करना होगा उतना हम लोग उसमें प्लस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा नंबर क्या है, ये है 27,463। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं आंसर, काउंटिंग बाय 300 ठीक है, 300 लिख कर एस लिख दिए, मतलब 300, द थ्री न्यूमरल्स आर अब ये नंबर आपका, इसको आप यहाँ रफ में लिखिए 27, ठीक रहेगा। ये हमारा न्यूमरल्स क्या है, 27463। अब हम लोगों को काउंटिंग बाय 300 लिखना है, तो इसमें 300 प्लस कर देना है,
ठीक है, तो प्लस करेंगे तो 3 + 0 = 3, 6 + 0 = 6 एंड 4 + 3 = 7 और ये 7 + nothing = 7 एंड 2 + nothing = 2। तो हमारा क्या नंबर मिला? 27,763। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो एक न्यूमरल्स हम लोग को मिल गया, अभी दो और चाहिए। तो इस नंबर में अब हम लोग फिर से 300 ऐड कर देते हैं। तो 3 + 0 = 3, 6 + 0 = 6, 7 + 3 = 10 + 0 कैरी 1, 1 + 7 = 8 एंड 2 + nothing = 2। तो आ गया हमारा 28,063। अब एक लास्ट नंबर है, तो आप देखिए हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो हंड्रेड्स प्लेस है और ये थाउजेंड्स प्लेस, इसी में चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो में ही 3 ऐड कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2 + 8 = 0 + 3 = 3 = 6 = 3। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ ऐड करके भी देख सकते हैं, आपको यही आएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द नंबर विच इज द सक्सेसर ऑफ द प्रीडेसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर। मतलब जो स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर है उसके प्रीडिसीसर का सक्सेसर है। ठीक है ना, मतलब स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर का प्रीडिसीसर पहले निकालेंगे फिर सक्सेसर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, SOLN मैंने बताया आपको, सॉल्यूशन के लिए मैं लिख रहा हूं ऐसा। तो पहले हम लिख देते हैं द स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर इज, क्या होता है, 1 and 5 times 0, यही होता है स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर। अब इसका प्रीडिसीसर निकालना है हमको। ठीक है, प्रीडिसीसर या पहले हम लोग सक्सेसर निकाल लेते हैं फिर प्रीडिसीसर निकालेंगे। तो अब हम लोग सिंपली लिख देते हैं, थस द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसीसर ऑफ द, अब यहां पे हम लोग स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर न लिखकर ये जो स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर होता है वही लिख देते हैं। ठीक है, और ये 6 digit नंबर यही हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले एक बार इसका सक्सेसर निकालिए। तो सक्सेसर क्या आएगा, +1 कर दिए तो 1 0 0 0 0 1 सक्सेसर निकल गया। अब इसका प्रीडिसीसर निकाल लीजिए तो -1 कर दीजिए तो 1 - 1 = 0 फिर 0 0 0 0 1। मतलब हमको क्या मिला, द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आ गया ना, वापस स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर आ गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, द नंबर इटसेल्फ आंसर। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.2 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं, और उसको शुरू करने से पहले हम लोग को एक ये टॉपिक समझना होगा, छोटा सा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कैसे कंपैरिजन करेंगे, सॉरी नंबर को हम का कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये हम लोग थोड़ा इस टॉपिक को समझ लेते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग दो बातों पर ध्यान देंगे। पहला बात होगा कि हम लोग ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। जो भी नंबर दिया है पहला चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं दोनों के, ठीक है ना। और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करना है, और उसमें अगर किसी का नंबर ऑफ डिजिट्स कम है और किसी का ज्यादा है, तो जिसका कम होगा, जिस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट्स कम होगा वो स्मॉलर होगा, और जिस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए छोटा सा नंबर लेते हैं 4 5 6 7 और एक नंबर लेते हैं 9 8 9। ठीक है, तो ये आपका 4 digit नंबर है और ये 3 digit नंबर है।
अब देखिए इसका जो फर्स्ट डिजिट है 4 है, इसका 9 है। देखने से आप कह सकते हैं कि मे बी ये बड़ा होगा ये छोटा, लेकिन अगर आप इसके डिजिट्स को देखें तो यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है। तो ध्यान रखिएगा जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, वो हमेशा बड़ा होगा चाहे उसका डिजिट छोटा हो या बड़ा। अगर 4 डिजिट का है तो हमेशा वो बड़ा, मतलब जो जिसका डिजिट ज्यादा होंगे जिस नंबर का वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना, कम डिजिट वाले नंबर से। हाँ, बशर्ते ये ध्यान देना है कि लेफ्ट मोस्ट में 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग कंपेयर द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डिजिट्स, किनके डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल सपोज कीजिए 2459 और एक और है 2470, ये दोनों ही 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, दोनों ही 4 डिजिट। मैंने क्या कहा कि अगर कम होता है तो किसी का जिसका डिजिट कम होगा वो छोटा होगा, जिसका डिजिट ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन अगर बराबर हो जाए तो हम लोग ये सेकेंड वाला ऑप्शन पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कहां से कंपेयर करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि ये वाला डिजिट कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, दोनों का लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर करेंगे। देखिए दोनों का लेफ्ट डिजिट सेम है तो अब क्या करेंगे, इसका राइट वाला डिजिट मतलब ये 4 चेक करेंगे, ये वाला, ये भी सेम है, अब क्या करेंगे, फिर उसका राइट वाला चेक करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट तक चेक करते जाएंगे। तो यहां पे 5 आ गया और यहां पे 7 आ गया, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स मिल गए, और आप जानते हैं 5 इज लेस देन 7, देयरफॉर ये जो नंबर होगा वो इस नंबर से छोटा हो जाएगा। समझ गए, मतलब पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करना है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो जाए तो फिर उसके डिजिट्स को कंपेयर करना है फ्रॉम लेफ्ट, और फिर उसी के बाद हम बता पाएंगे कि नंबर कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ये दो बात का ध्यान रखना है, आसानी से आप किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर कर पाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें क्या कह रहा है, पुट द ग्रेटर नंबर इन द हेवियर बॉक्स एंड स्मॉलर नंबर इन द अदर बॉक्स। दो नंबर है आपके पास, बॉक्स तो नहीं है, मैं क्विकली आपको बना देता हूं, आपके बुक में इस तरह का बना हुआ है, यहां पे एक बॉक्स है और एक बॉक्स यहां पे है। अब आप बताइए कौन सा हेवियर है, इसको, इस बॉक्स को हम ए बोलते हैं और इस बॉक्स को बी, हम अपने तरफ से नाम दे दिए, बुक में आपके ऐसा नहीं है। अब आप बताइए ए और बी में कौन बड़ा है, ठीक है, आपको आसानी से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स ए जो है बड़ा नहीं, इन द आई एम सॉरी बड़ा नहीं भारी बताना है, इन दोनों में कौन भारी है, हेवी कौन है। तो आप देखिए जो हेवी होता है, आप अक्सर ध्यान दिए होंगे जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को तोला जाता है तराजू पर तो जो भारी होता है वो झुक जाता है, इट मीन्स यहाँ पे झुका हुआ ये बॉक्स है, मतलब ये हेवियर बॉक्स है। तो हेवियर बॉक्स में हमको कौन सा भरना है इन दोनों में से, जो बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर का कंपेयर करने का तो मैंने आप लोग रूल्स बताया हुआ है, कैसे करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों का नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे, रफ में लिख लीजिए कहीं पे। तो आप देखिए यहां भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गया। तो अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में यहां पे 1 है और यहां पे 8 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 8 है। अब आप बताइए कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो जो जिसका बड़ा होगा डिजिट वही नंबर बड़ा हो जाएगा, मतलब ये नंबर बड़ा हो गया तो इस नंबर को हम इसमें लिख देते हैं और वो छोटा हो गया तो उसको इसमें लिख दीजिए। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन और होंगे आपके बुक में, आप उसको बना लीजिएगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा, है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर्स आपके मैच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आपको बस प्रोसेस पर ध्यान देना है। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा बॉक्स इधर हो गया है बट नंबर आपको फिर भी दिख रहा है, दिस इज 2, 8, 5, 4 and 3 और दिस इज 2, 8, 5, 5, 4। अब आपको बताना है, मतलब जो स्मॉलर नंबर होगा उसको इस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है ना। तो वैसे सेम प्रोसेस वही है, नंबर्स को यहां पे लिख लीजिए, एक दूसरा है 2, 8, 5, 5, 4, ठीक है। तो यहां भी 5 डिजिट है, यहां भी 5 डिजिट है,
अब हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से, तो फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट सेम है, थर्ड डिजिट भी सेम है, तो फोर्थ डिजिट पे ध्यान दीजिए, यहाँ का फोर्थ डिजिट और यहाँ का फोर्थ डिजिट, यहाँ का फोर्थ डिजिट फोर है, यहाँ का फोर्थ डिजिट फाइव है, मतलब ये ग्रेटर हो गया, और जब ये ग्रेटर हो गया तो ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो हमको स्मॉलर भर लिखना है, मतलब इसी नंबर को हम इसमें लिख देंगे, कौन सा नंबर है ये, 28543, 28543, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आप क्या करते हैं, उस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप जानते हैं क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, है ना, स्मॉलर टू ग्रेटर। क्या करेंगे आप, स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले स्मॉलर नंबर, फिर उसके बाद उसका उससे ग्रेटर नंबर। अब यहां भी हमको कंपेयर ही करना है, और कंपेयर का रूल जो मैंने बताया है उसी को फॉलो करना है। आप देख लीजिए सभी फाइव डिजिट नंबर है, ठीक है, सबका पहला डिजिट फाइव है, सेम है, लेकिन सेकंड डिजिट में आप देखिए तो यहां पे टू है, यहां पे फोर है, यहां पे भी फोर है, और यहां पे भी फोर है, मतलब तीन नंबर के जो डिजिट है वो सेम है और एक का डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वो छोटा है। इट मीन्स ये हमारा मिल गया पहला सबसे स्मॉलर नंबर, 52343, ये हो गया पहला सबसे स्मॉलर नंबर। और जब भी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते हैं तो लेस देन का साइन यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमको कंपेयर करना है ये तीन नंबर में, इसको, इसको और इसको, तो आप देखिए इन तीनों का सेकंड डिजिट तो सेम है, बट थर्ड डिजिट में ये एट है, यहां पे सेवन है, और यहां पे सिक्स है, मतलब तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे हमको कंपेयर करना इजी हो गया, जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो गया, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा ये हो गया लास्ट वाला, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 54649। अब ये भी हो गया, अब बचा ये दोनों, ये वाला और ये दोनों बचा, तो इन दोनों में अब देखिए सेवन छोटा है, तो इसको पहले लिख दीजिए 54779। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये आपका रफ में था, तो नीचे भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं, तो लास्ट में बचा कौन आपका, ये वाला बच गया, तो इसको लिख दीजिए 54845, यही हो गया आपका आंसर, मतलब अरेंज हो गया अब आपका जो गिवन नंबर है इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सेम यही आपको काम करना है डिसेंडिंग ऑर्डर को में अरेंज करने के लिए, बस इतना ही ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आप क्लास टू में या थ्री में भी आपको ध्यान होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर आप करते थे, वही है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटर को पहले लिखते हैं, उसके बाद स्मॉलर को लिखते हैं, तो हमको इसमें सबसे पहले सबसे ग्रेटर नंबर ढूंढना है, तो अगेन यहाँ पे देखिए सिक्स डिजिट है, सिक्स डिजिट है, सिक्स डिजिट है, और ये भी सिक्स डिजिट है, सभी सिक्स डिजिट नंबर है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में सेम है फाइव, अब क्या करेंगे सेकेंड डिजिट, तो सेकेंड डिजिट यहाँ पे टू है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे भी फोर है, और यहाँ पे भी फोर है, मतलब हमको सबसे छोटा नंबर तो मिल गया लेकिन बड़ा नंबर हमको चाहिए, तो अभी हमको बड़ा नंबर ढूंढना है, यानी अब ये तो सबसे छोटा हो गया, तो ये तीन में से ढूंढना है, इसमें से, इसमें से, और इसमें से ढूंढना है। तो अब इसका तो सेकंड डिजिट सेम है, अब इसका देखिए थर्ड डिजिट, और देखिए यहाँ भी जो थर्ड डिजिट है सिमिलरली वैसा ही है, तो इनमें जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो सबसे बड़ा डिजिट ये है, तो इसको पहले लिख दीजिए 548, 548452, ये हमको मिल गया सबसे बड़ा नंबर।
अब बचा ये दोनों, अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है 6 से, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए। और फिर अब ये बच गया, तो ये हो जाएगा उससे बड़ा, बड़ा नहीं उससे छोटा। और आप जानते हैं सबसे छोटा इसमें से कौन था, ये पहला ही नंबर सबसे छोटा था, तो इसको लास्ट में लिख देना है बस। तो कुल मिला के हमने इस एक्सरसाइज में कंपैरिजन ही किया है, ठीक है ना, और कंपैरिजन के बेस पे हमने स्मॉलर नंबर या ग्रेटर नंबर या फिर स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज किया है, ठीक है ना। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाएं, आपको दो बातों को ध्यान रखना जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था। ये पहले नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे, अगर सेम होगा तो फिर कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, पहले हम लोग ये जो 1.3 तक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है आप उसको देखिए, उसको बनाइए, और इसके जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।